बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सभी सुनने वाले मुझसे हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं किसी शायरी के साथ, किसी गीत के साथ, किसी नगमे के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होऊंगा। मेरे प्रोफाइल में जो है बड़े मज़े मज़े की बातें, बड़े मज़े मज़े के सर्वेस, बहुत मज़े मज़े की टॉपिक्स रखे जाते हैं। मेरे प्रोग्राम्स में ये एंटरटेनमेंट होती है। आज मैं थोड़ी सी अलग बात करने आया हूँ। मैं यहाँ पर अपना नाम मेंशन नहीं कर रहा। इसके पीछे वजह यही है कि मैं चाहता हूँ कि कोशिश करें कि इस बात को जितनी आगे पहुँचा सकते हैं पहुँचा दें। मुझे अपना नाम नहीं चाहिए, सिर्फ ये बात आगे पहुँच जाए। जिंदगी हमें बहुत कुछ देती है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं एक शॉप पे रुका, 40 रुपए वाला एक जूस लिया मजे से और गटगट करके उसको पी गया और उसके साथ थोड़े से नट्स लिए और वो खा लिए। उसके बाद मैं अपनी बाइक पे बैठा तो सामने खाली बोतलों का एक क्रेट रखा हुआ था। एक छोटा सा बच्चा आया, वो बच्चा गालिबन वो उन बच्चों में से था जिनको हम आमतौर पर भीख देते हैं, या वो मोटर बाइक वगैरह गाड़ी साफ करने वाले बच्चों में से एक था। वो आया और उसने उस क्रेट में से बोतलें निकाल निकाल के देखना शुरू कर दी और जिस बोतल में थोड़ी सी भी कोल्ड ड्रिंक थी बची हुई, वो उस कोल्ड ड्रिंक को पी पी के मजे ले लेके पी रहा था। पीता और खुश हो जाता, थोड़ी सी पीता और खुश हो जाता, थोड़ी सी पीता और खुश हो जाता और आखिर में वो कुछ नहीं दे के गया, मुझे बहुत बड़ा सबक दे गया। मैं उस रास्ते से घर तक एक बात सोचता हुआ आया कि अल्लाह ताला की नेमतों का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना अच्छा है, लेकिन साथ साथ हुकूकुल अल्लाह के बाद हुकूकुल इबाद जो हैं, बंदों के हुकूक जो हैं, क्या वो हम अदा कर रहे हैं या नहीं अदा कर रहे हैं। ये बहुत ही मामूली नौयत का वाकया है। मैं अपनी आंखों से इसको बयान नहीं कर सकता, मेरे अल्फाज कम पड़ जाएंगे, मेरी बातें छोटी पड़ जाएंगी इसको बयान करने के लिए, लेकिन मेरे लिए ये इतनी बड़ी बात है कि शायद इसने मुझे आज सरे नौ बदल के रख दिया हो। एक नई सोच मेरे अंदर पैदा हुई। वो क्या है? वो मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान की बात है। बस आप तक ये बात पहुंचाने के पीछे सिर्फ एक वजह, वो ये कि एक अच्छी सोच आपके अंदर भी पैदा हो इस माशरे में कुछ करने के लिए। बहुत शुक्रिया।